We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के सागर जिले में यूरिया दो या गिरफ्तार करो के नारे के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित कई नेताओं ने गिरफ्तारी दी। भाजपा ने प्रदेश में कमलनाथ सरकार की विफलताओं को लेकर सागर से शंखनाद शुरू किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, महिलाएं लाइनों में लगी हैं, यह शर्मनाक है। वहीं गरीबों के बिल आधे नहीं हुए, यदि बिजली बिल की वसूली हुई और बिजली कटी तो भाजपा ही जोड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ मामले दर्ज हुए तो दर्ज करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर गरजते हुए कहा कि अब लड़ाई होगी लड़ाई। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान बोले कि प्रदेश में किसानों की ना तो कर्ज माफी हुई बल्कि अच्छे खासे किसान डिफॉल्टर बन गए।
महीना से ज्यादा बिजली का बिल नहीं देगा, ज्यादा बिल आएंगे तो आग लगाएंगे बिजली के बिलों में, होली जलाएंगे। और सुन लो बिजली वालों, अगर बिजली काटी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ने आएंगे, लड़ाई होगी लड़ाई, ये समझते हमने संपर्क जोड़ के बताई। बिजली का बिल हमने अधिकतम 200 रुपया किया था, कह रहे थे बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ और भाजपा साफ। अब आप हो गए, अरे बिजली के बिल आप हो गए क्या? ऐसे नहीं जोर से बताओ, आप हो गए क्या? रास्ते भर चले आ रहे हैं नीतीश से एक बार भी बैठे, और सांची विधानसभा क्षेत्र से मैंने शुरू किया, भार्गव जी कह रहे थे 3 घंटे हो गए बैठे हुए, क्योंकि जगह जगह जनसेना उमड़ पड़ा और मैं समझता हूं लगभग 20-22 सभाएं करते हुए मैं आ रहा हूं। जहां देखो बिजली के बिल लेके मई आ जाती है, भैया मर गए रे मर गए रे मर गए रे, कोई का 10,000, कोई का 20,000, कोई का 40,000, और एक मैया ऐसी मिली कि बेटा मेरा तो 98,000 आ गया रे। सब कुछ बिक जाए तो भी कुछ नहीं है, ये बिजली का बिल आप किया तुम नाटक करते हो, और कहते हो 100 रुपए का बिजली का बिल है। आज हम ये भोक्ता कर रहे हैं, साफ नहीं जाएंगे बिजली का बिल, बताओ दोगे क्या? अरे जोर से बताओ दोगे क्या? अगर लेना है तो 100 रुपया ले, हाफ मतलब 200 के 100, सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ सही बात है कि नहीं? ये अन्यायपूर्ण बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, प्रशासन की सुन ले, जनता सड़कों को उतरेगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे हम। एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ, और किसान भाइयों कितने मीठे सपने दिखाए थे, अब ये ढोल नहीं बजे, बजा के हम ले जाएंगे, चिंता मत करवा, धूमधाम से जाएंगे, मार्च होगा, 2 लाख रुपए का कर्जा था। अब मैं अभी खड़बई से आया, जिनको प्रमाण पत्र दे दिया उनकी गर्दन पकड़ के बैंक वाले कह रहे माफ थोड़ी हुआ है, ये कागज का टुकड़ा ले जाओ ना पैसा। अच्छे खासे किसान डिफॉल्टर हो गए, अच्छे खासे किसान जिनने हमेशा कर्जा चुकाया, इन्हें कर दिया 2 लाख तक का माफ, माफ तो नहीं दिया तो डिफॉल्टर हो गए, और आज डिफॉल्टर हो गए तो सोसाइटी से खाद का कर्जा, खाद बीज के लिए कर्जा नहीं मिलता, मामा तो 0% ब्याज पे देता था जी, लेकिन अब मिलेगा ही नहीं, नगद खरीदो 14% ब्याज दो, जो अच्छे खासे किसान थे उनको डिफॉल्टर बनाने का। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी मंच से संबोधन में कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके मैनिफेस्टो में एक भी घोषणा पूरी हुई हो तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मित्रों चूंकि विलम्ब हो गया तो बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, 1 वर्ष होने को है सरकार के लिए, दिसंबर में सरकार बनी थी, दिसंबर आ गया, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि एक भी घोषणा जो इनके मैनिफेस्टो में इनके विचार घोषणा पत्र में इन्होंने कही है एक भी घोषणा पूरी होगी। मैं आज कांग्रेस के भाइयों के लिए, यहां के जो विधायक हैं उनके लिए, यहां के मंत्री जो हैं उनके लिए ये चुनौती देता हूं कि अपने घोषणा पत्र में अपने वचन पत्र में जो वायदे किए थे एक वायदा भी बताने जो उन्होंने पूरा किया हो, गोपाल भार्गव राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार है, एक भी वायदा पूरा। लोगों को ठगा गया और सबसे ज्यादा ठगा गया हमारे किसान भाइयों के लिए। राहुल गांधी ने एक ही सभा में कहा था, दमोह की सभा में कहा था, मंदसौर की सभा में कहा था, 10 दिन के अंदर हमने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया ऋणी कृषक का तो मुख्यमंत्री का कान पकड़ के हम बाहर कर देंगे। और वास्तव में यदि राहुल गांधी की बात में दम था, सच्चाई थी, तो 350 दिन हो गए सरकार को बने होंगे, 35 मुख्यमंत्री बनाए जाना थे, एक भी मुख्यमंत्री नहीं बदला। लोगों को ठगने का काम, भ्रमित करने का काम
बॉर्डर को लूटने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है मित्रों, इस पाप का जवाब हमारे लिए देना है, तो इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जवाब देंगे। धरना के बाद एकत्रित किए बिजली बिलों को भी जलाया गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह समेत सांसद, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया और सभी नेता ट्रैक्टरों पर सवार होकर गिरफ्तारी देने निकले। नेताओं की मकरोनिया चौराहे पर गिरफ्तारी हुई, इसके बाद प्रशासन ने वही रिहा कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बसों के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। Nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.